क्या सौतेली माँ का बच्चों पर कोई हक होता है? इनके सवाल ये, क्या सौतेली माँ का बच्चों पर कोई हक होता है? कोई हक नहीं होता। सगी माँ का होता है, सौतेली माँ का कोई हक नहीं होता। अगर वो उनके साथ मोहब्बत से पेश आती है तो बदले में बच्चे भी उनकी इज्जत और मोहब्बत करते हैं तो ठीक। अगर वो अच्छी तरह पेश नहीं आती तो बच्चों पर भी कोई उसकी इज्जत और एहतराम करने का नहीं है। बड़ों का एहतराम करना तो इस्लाम सिखाता है, मगर बड़ों को भी तो बड़ा बनना सिखाता है। सवाल ये, अगर सौतेली माँ दूध पिला दे तो वो रजाई माँ हो जाएगी उनकी, लेकिन वो हक फिर भी नहीं हो सकता जो सही माँ का होगा। मतलब उन्हें शरीयत में हिस्सा नहीं मिलेगा, वो जो उसकी विरासत होगी उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा, और आज की विरासत में उसका हिस्सा नहीं होगा। हाँ जी, कपड़े पर कहीं नापाकी लग जाए तो क्या पूरा मकान नापाक हो जाता है? इनका सवाल ये, कपड़े पर अगर कहीं नापाकी लग गई, मान लो बनी का खतरा है ऐसे क्या पूरा कपड़ा नापाक होता है? नहीं भाई, उतना हिस्सा नापाक होता है, उसे आप बात कर लें पूरा कपड़ा नापाक हो गया। जबकि हमारे यहाँ ये चलन है, यही कहते हैं कि पूरा कपड़ा नापाक है कि धुल डाल, कहीं नहीं लिखी है बात, बल्कि उतना हिस्सा आपने धो लिया तो पाक होगा। इज्जत की बात जो है, दावत का एहतमाम किया जाता है चार माह के बाद, और इस अंदाज से किया जाता है कि बड़ी बड़ी रुकावटें होती हैं, बड़े पैमाने पर। सवाल ये, इज्जत के बाद दावत करना क्या ठीक है? भाई नबी ने तो कभी नहीं की, और इस तरह से इकट्ठे होकर फिर रोना धोना उस औरत को याद दिलाना, वो तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपके घर में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बाहर के मेहमान आ गए, आपने खाना खाना या ठीक, लेकिन ये स्पेशल दावतें करना है इस नाम पर, ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। हाँ जी, इनका सवाल ये है, नमाजों में जो फ़र्ज होते हैं या सुन्नतें होती हैं या वाजिबात होते हैं उनमें क्या फ़र्क? देखो जी, जो फ़र्ज है ना नमाजों के, वो 14 फ़र्ज हैं, वो आपको बजती जेवर में या नमाजी किताब में मिल जाएगा आराम से। उन्हें अगर आपने तर्क कर दिया उन्होंने किसी एक फ़र्ज को भी, तो आपकी नमाज नहीं होगी। फिर इसी तरह वाजिबात हैं, मुशहद 13 हैं, तो अगर आपका कोई वाजिब तर्क हो गया तो सजदा सहू करने से आपकी न गुनागार होंगे आप और नमाज भी आपकी पूरी हो जाएगी। सुन्नत का मामला है कि अगर वो छूट जाती है तो आपकी नमाज भी हो जाती है, कोई गुनाह नहीं होगा। ये आपको मिलेगी किताबों में, मगर मतलब मेरे याद में आया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर टाइम ज़्यादा लगेगा बताने में। तो आप बैठी जबल में पूरी तफसील है, नमाज की किताबों में पूरी तफसील है, मालूम होनी चाहिए। जो चीज़ आप लोगों को फ़र्ज है उसकी फर्जियत के सारे ही माप को आने चाहिए कि उसमें क्या क्या फ़र्ज है, क्या क्या सुन्नत, क्या क्या मतलब। हाँ जी, छोड़ गई थी, तो हमने 10 बजे फजर कदा हो गई तो फिर 10 बजे जब पढ़ी तो क्या सुन्नत नहीं पड़ेगी? भाई तो 10 बजे नमाज ही नहीं थी, हुज़ूर ने तो ये फरमाया और ये कम करके दिखाया कि अगर आप सोते रह गए, आपकी आँख देर से खुली मान लो, जिस टाइम आप खुली उससे ही हाथ बढ़ा के वज़ू करो नमाज। और हुज़ूर ने सुन्नत नहीं पढ़ी, एक बार हुज़ूर की तरह नमाज नहीं थी, तो पहले सुन्नत पढ़ी है पढ़ाई साहबों को, उसके बाद फिर फर्ज पढ़ा। इसलिए सुन्नत और फर्ज दोनों पढ़ने चाहिए, लेकिन इंतजार भी आपके आपकी आँख भी आपने देखा यार 7:15 बजे, चलो 10 बजे पढ़ लो, वहाँ आपकी नमाज पढ़ लो, वरना कदर नहीं हुई। अगर आपकी आँख खुली, आपने तमाम कोशिश की थी नमाज पढ़ने की, आप नहीं हो पाए, आप खुलते अगर आपने पढ़ दी तो कदर नहीं की जाएगी, अल्लाह के लिखी जाएगी अदा इन शाह। इनका सवाल यह है, सुन्नतें मौकदा छोड़ना सही है? गलत, मेरे हिसाब से तो भाई गलत है, छोड़ी, लेकिन कभी छूट जाए तो पर महसूस नहीं करना, क्योंकि फर्जों के बराबर सुन्नत मौकदा नहीं होती। सुन्नत मौकदा के बारे में जो 12 सुन्नत मौकदा है ना सब नमाजों में, उनके बारे में नबी ने फरमाया कि ये ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, और सही की सुन्नत वगैरह का तमाम दुनिया जमीनों आसमान चीज़ें वो सबसे बेहतर चीज़ दूर करता है। फर्क तो बहुत उनकी बात है, नमाज सुन्नत नमाज के बारे में बात है, जो सुन्नत नमाजें हैं मौका लगा उनका तो आप बहुत ध्यान रखना करें, लेकिन कभी अगर छूटते जैसे सफर में उनको उन्हें कभी नहीं पड़ा, ये सुन्नत ये नहीं पड़ा, फर्जी आते करा दिए अंदर में तो फर्क उसमें ना पड़े, लेकिन वैसे आप कोशिश ये करें कि जरूर पड़े सुन्नत नमाज। हाँ जी, अभी नया साल आने वाला है, क्योंकि
کیونکہ سوال یہ ہے نیا سال آنے والا ہے اسلامی، کیا اسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، آپ کو خوشی منانی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو مہلت دے دی، لیکن خوشی کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ کے، آپ غریبوں کو کھانا کھلا کے، آپ رشتے داروں کو دعوت کر کے اس طرح سیلیبریٹ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کیک بنا رہے ہیں اور وہاں ڈیک بجا رہے ہیں اور ہنگامہ کر رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں اور غلط غلط ہو رہا ہو، یہ اسلام کے خلاف بات ہے، آپ کو بالکل منانا چاہیے نیا سال، اور لیکن ڈھنگ یہ ہو، اور اس میں دین کی بات ہو، اللہ رسول کی بات ہو. سوال یہ ہاں آستین میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں بھائی، مرد کا صدر جو ہے، مرد پڑھ سکتے ہیں، عورتیں نہیں پڑھ سکتے، مرد کا صدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف سے گھٹنوں تک بتایا، اور ایک حدیث بھی یہ بھی کہا کہ کندھے بھی ڈھک لیا اگر نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کے اگر کندھے ڈھکے ہوئے ہیں، آپ آستین میں بنیان میں سینٹر میں تو بنیان ہوتا ہے آستین میں، بالکل آپ کے سوال یہ ہے حضرت ذکر نے اولاد کے لیے تین دن کا عمل کیا تھا، وہ قرآن اور حدیث میں کام ہے بھائی، یہ عمل نہیں کیا تھا انہوں نے، بلکہ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ تجھے، جب فرشتوں نے کہا نا کہ تمہیں بیٹے کی بشارت دی اللہ نے یحییٰ کی، تو انہوں نے کہا میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بات یہ کہتے رہتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ تین دن تک وہ بول نہیں سکے، اشاروں سے بات کریں گے، وہ جو تین دن تک انہوں نے اشارے سے بات کی ہے اس میں بھی تبلیغ کی، قرآن یہ کہتا ہے، تو وہ عمل انہوں نے نہیں کیا بلکہ ان سے اللہ نے کرایا ہے کہ ان کی تین دن کے لیے انہیں روزہ رکھوا دیا زبان پر، وہ بولے نہیں بالکل بھی، تو یہ علامت اللہ کی طرف سے ہے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 41 ہے بھائی، آپ جا کے چیک کریں. شکایت کر سکتے ہو، یہاں کا قانون پھانسی نہیں دلوا سکتا زنا کرنے والے کو، یہاں کا قانون جو ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے جو جج ہے جسٹس بیٹھا ہے وہ چینج کرے گا، کیس کو چینج کیسے دیا جائے، لیکن کسی نے آج تک اپلائی نہیں کیا،
नहीं नहीं तो वो तो बात ये है ना कि कोई कैसे भलाई करेगा, पहले तो ईमान चाहिए ना। लोग तो नाजायज तरफदारी करते हैं, कुरान का ही नहीं पता। कुरान ये कहता है कि अगर तुम्हें अपने बाप, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ भी गवाही देनी पड़े, अपनी जात के खिलाफ भी देनी पड़े, यहाँ तक कह दिया तो तुम मतलब अपने खिलाफ भी गवाही दे देना। लेकिन कौन देता है यार? हम तो नहीं, विरोध तो लाजमी बात इसलिए है ना कि इन पे चीज़ों पे असर आने वाला है। जो चीज़ें इस टाइम थोड़ी बहुत ही बची हैं आपके हाथ में, ये भी छीन जाने वाली हैं। आप ये देखो ना कि जिस हिसाब से मुल्क इस टाइम जिस तरफ जा रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा है, होने वाला कुछ नहीं है। आप 2024 का इलेक्शन गुजर दें तो ये ठंडे बच्चे में जाए, ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से उठाए जा रहे हैं चीज़ें। ये अलग सारी पार्टी एक सी है मेरे नज़दीक, सब सियासी मुद्दे होते हैं, उसके बाद भी सब ठंडे बच्चे में। अब वो जो इससे पहले मुद्दा था शाहीन बाग वाला, कहाँ गया? सब गायब। इसी तरह से ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो। पिछले हफ्ते किसी ने सवाल किया था मेरे से 72 करोड़ के बारे में, फिल्म के बारे में, जो मैंने कहा वही हुआ। रिलीज होने के बाद टाइटाई फीस है, वो देखो वो एक सियासी मुद्दा था, खत्म हो गया। तो इसी तरह से ये भी मुद्दा खत्म होगा, आप बेफिक्र रहो। लेकिन उसके लिए कि अगर आप हाथ कटवाना चाहते हो और सजाएं दिलवाना चाहते हो, तो पहले अपना करेक्टर चेक करो। ये तो नमाज के लिए भी यही बात है कि नमाज छोड़ने वालों के से तो आपको हाथ में मिलाने में हुक्म नहीं है, मतलब कुफर का फतवा है वो ऊपर। जो सख्त लोग होते हैं वो तो हाथ नहीं मिलाते ऐसे लोगों से जो नमाज छोड़ते हैं, अदा करते हैं। तो हम अपने ऊपर ध्यान दें, अभी बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़े। जब कभी इस्लामी मुमलिकत होगी तो इस्लामी कानून अपने आप उठाएगा। जो शादी करते उसके बाद जो चलती है उसको ध्यान माँ बाप नहीं देते, बच्चे बिगड़ जाते हैं, रस्ते पे जाते हैं, तो क्या उसके जिम्मेदार माँ बाप हैं या नहीं? माँ से इनका सवाल ये है, अगर शादी दिए से करते हैं तो क्या माँ बाप जिम्मेदार हैं? और शादी तो जो देते हैं शादी का वो सुनना है, लेकिन शादी हर जिम्मेदारियाँ बच्चे जो होते हैं वो जिम्मेदारी नहीं करते हैं माँ बाप। इनका सवाल ये है कि माँ बाप अगर जिम्मेदारी नहीं लेते शादी की, शादी कर देते हैं बच्चों को देख के बिगड़ा हुआ है उसके बावजूद भी, तो क्या माँ बाप जिम्मेदार होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। जब वो देख रहे हैं कि मेरा बेटा शराबी है, नाकारा है, काम नहीं करता, दूसरे की बच्ची लाके बर्बाद कर रहे हैं, तो लाज बात है, हम तलफे में फंस जाएंगे। अगर उनकी अपनी बच्ची के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो, जब उनके लिए कोई रिश्ता उनकी बच्ची के लिए आए, दामाद ऐसा हो जो शराबी कबाबी हो और जुबारी हो और सटियारा हो, तो क्या उनके ऊपर क्या बीतेगी जो दूसरे की बच्ची ला के उन्होंने बर्बाद की? सब कुछ मालूम होते हैं अभी। इसलिए बेहतर यह है कि सबको अपनी औलाद का पता होता है, अल्लाह से दुआ करें पहले उसे सुधारें फिर उसकी शादी करें, ना कि किसी दूसरे की बच्ची को बर्बाद करें। टाइम पर 10:40 और किसी के जहन में कोई बात हो भाई? हाँ जी, इनका सवाल यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खबर में रूहानी तौर पर जिंदा है या हाथ पे इलाज करते हैं? भाई जिस्म तो उनका दफन हो चुका और रूहानी तौर पर जिंदा है, क्योंकि शहीदों के बारे में ये बात कही है अल्लाह ने कि इन्हें मुर्दा ना कहो, ये जिंदा है अपनी कब्रों में। और हुजूर तो जिंदा है, सबसे बड़े शहीद तो हुजूर ही हैं। और ये भी कहा गया कि इन्हें रोजी पहुँचती हैं, अब वो रोजी कैसी है, इस तरह अल्लाह उन्हें जिंदा रखे हुए हैं, ये तो सब मुतशाबे हाथ में से है, आगे शायद राज मिल जाए। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम अंबिया, ये जो भी शोधा है वो सब अपनी कब्रों में जिंदा है, ये कुरान की नस है। हमने जो बातें की उनमें किसी किस्म का कोई शर हो तो हमारे दिलों से दूर करो। या अल्लाह जितने शहर के पहलू हमारी जिंदगी में उतारो। या अल्लाह हमें झूठ से, दगा से, कुवर से, वादा खिलाफी से, धोखे से, बदनजी से हमारी हिफाजत करो। या अल्लाह हमें नेक बनाते, या अल्लाह हमें एक बनाते, या अल्लाह आप अपने इत्तेहाद अता करो। या अल्लाह तमाम जितने भी मसलक हैं, या अल्लाह वो अपने अपने मसलकों पर कायम रहे, लेकिन दुश्मनी दूर करो। इख्तलाफ ज़रूरी है लेकिन दुश्मनी ख़त्म करा दे। या अल्लाह पाक मुसलमानों को गिरफ्त कर दे। या अल्लाह पाक का सच्चा ईमान अता फरमा, ईमान वाली ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे बच्चों को भी नेकी अता फरमा। या अल्लाह पाक का सच्चा मोमिन बना दे। या अल्लाह उन्हें दीन की सही समझ अता फरमा, हमें भी दीन की सही समझ अता फरमा। कुरान में चलना आसान फरमा दे। या अल्लाह कुरान को फरमाबरदार बना दे। कुरान के हिसाब से फैसले करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने बड़ों के साथ जो है वो मोहब्बत और एहतराम का मामला करने की तौफीक अता फरमा।
یا اللہ اپنے عورتوں کے ساتھ جو بھی ہم تشدد کرتے ہوں یا اللہ ہمیں غصے سے دور فرما دے، ہماری عورتوں سے ہمیں